तो सभी नमस्कार। बीरगंज में अभी जो शादी का माहौल है और बहुत सारा शादी हो रही है, इसी क्रम में कुछ कलकत्ता के आर्टिस्ट लोग आए हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं गोष्टो देवनाथ, मैं कोलकाता टालीगंज से हूँ। एक्चुअली आती हूँ बहुत बार नेपाल में, बट बीरगंज में आकर आज का माहौल बहुत डिफरेंस लगा, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत हस्ती हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हम लोग के जो डांसर हैं, इन लोग का एक प्राइवेसी अलग सा परिचय हो रहा है। तो कोलकाता से आने में हमको जो दिक्कत होता ही है, थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए इनसे, कौन कौन क्या है। इसका नाम है पिंकी। नमस्ते। ये क्लास 11 में है। इसका नाम है राधा। ये क्लास 10 में है। इसका नाम है मौमिता। ये सेकेंड ईयर में है। इसका नाम है रूपा। ये फर्स्ट ईयर में है। और इसका नाम है दोलोंदा। ये हम लोग से सबसे जूनियर है, ये अब जॉब करता है। ओके। आप लोग का क्या है, ग्रुप का नाम क्या है। हम लोग का ग्रुप का नाम है श्री डांस ग्रुप, जो है कांकी नाड़ा का, जिसका हेड है कौशिक दा और हिमाद्री दा, उसके तरफ से हम लोग आए हैं। तो कोलकाता से तो आने में सफर इतना सहज नहीं होता है, ट्रेन में तकरीबन तो 12 घंटा लग ही जाता है। फिर उधर से हम आए थे पहली बार मुजफ्फरपुर में आज, तो मुजफ्फरपुर से फिर प्राय तकरीबन 4-5 घंटा जर्नी करके शाम को 6 बजे इधर आए हैं। तो आने के बाद माहौल देखकर मन खुश हो गया। आप लोग को सजने में कितना टाइम लगा है। एक घंटा लगता है। एक घंटा आज जल्दी हो गया, नहीं तो लड़की लोग को सजने में मिनिमम तो 2-3 घंटा लग जाता। अच्छा। है आप लोग का प्रेजेंटेशन क्या होगा आज। प्रेजेंटेशन होगा आज, तो इधर में शादी का माहौल है, तो इधर में आज 2 एंट्री होगा। एक दुल्हन एंट्री होगा, जिसमें ये चारों लड़की माथे में फायर लेकर डांस करेगा, पद्मावत सिनेमा का जो घूमर डांस है उसमें। और हम जो 2 लड़के है वो मयूर बनेंगे। वो दूल्हे का एंट्री के टाइम मयूर के पंख लगा के मयूर की तरह नाच के दूल्हे का स्वागत करेगा। तो इसका महत्व क्या है शादी में, जैसे आप लोग का ऐसे नृत्य प्रस्तुत करना, इसका महत्व क्या है, लोग कितना पसंद करते हैं। देखिए, शादी ब्याह तो एंजॉयमेंट सबको लेकर लाइफ में एक बार होती है। लाइफ में एक बार होता है। जो डांसर लोग को वो थीम दिया जाता है, हम किशन राधा का थीम भी होता है, कहीं पे राजस्थानी थीम भी होता है। आज इधर में जो पद्मावत वो राजस्थानी थीम है, तो जो हम लोग की जो पार्टी है वो राजस्थानी थीम को चूज किया है। और चॉइस इसलिए होता है कि एंटरटेनमेंट तो सबको ही चाहिए, क्योंकि देखिए आज अब अगर डीजे बजेगा तो माहौल थोड़ा दूसरे तरफ के चेंज हो जाएगा, और अगर कुछ क्लासिकल नृत्य होगा तो सबका ध्यान रहेगा, हाँ फैमिली कितना स्टैंडर्ड है और माहौल भी कितना स्टैंडर्ड है। इसलिए इतने दूर से हम जैसे कलाकार को बुलाते हैं कि आप लोगों के मनोरंजन के लिए। अच्छा, आप लोग का मतलब ये चार्जेस वगैरह क्या है पर मैरिज का, आप लोग लेते हैं कि क्या है इसका? वो तो हमको सटीक से पता नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर जो होता है वो। आप लोग के बीरगंज का ऑर्गेनाइजर कौन है? हम लोग के तो अब लोकल ऑर्गेनाइजर जो हमारे कोलकाता के है, दादा आइए आप, ये भैया है हम लोग का। आपका परिचय बताइए। सुनील कुमार दो है, फिल्म्स इंडिया इवेंट कंपनी है मेरा। अच्छा। और मुजफ्फरपुर में कोऑर्डिनेटर हूँ। ओके। तो आप नेपाल में भी होती है जो शादी है, तो कलाकार ऑल ओवर इंडिया एक वर्ल्ड आर्टिस्ट लोग प्रोवाइड करते हैं। पर मैरिज का कितना लेते हैं? एक तो पैकेज के हिसाब से होता है, जिसका जो डिमांड होता है, जैसे 50,000, 60,000, 50,00,000, एवरीथिंग जैसा डिमांड वैसा पेमेंट। तो जैसे आज के कार्यक्रम में है, आप लोग का क्या क्या मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि यहाँ से काम करके आए, यहाँ ऐसा काम करे कि दोबारा बार बुलाया जाए, बार बुलाया जाए हमको। आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे, कितने कलाकार लेकर आ चुके हैं? 15 साल हो गया, और बिहार सेक्टर से और नेपाल सेक्टर से 7-8 साल से बिलोंग कर रहा हूँ। आप लोग कितने बार आए हैं अभी? हम लोग नेपाल आए हैं 5 बार। बीरनगर आए थे, बीरगंज 23 तारीख को भी आए थे। हाँ। और पहली बार भी आए थे, जगह का नाम उतना मालूम नहीं है, लेकिन नेपाल में 5 बार आए हैं। बांग्लादेश गए थे, और रिसेंट सितंबर में साउथ कोरिया भी जाना है। साउथ कोरिया। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में हम घूमते ही रहते हैं। हम लोग के कोलकाता में डांस स्कूल है, मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। मेरा तकरीबन 5 ब्रांच है, और मेरा
150 तकरीबन स्टूडेंट है, और जो जो अच्छा लगता है, जो जैसा जैसा ऑर्गेनाइजर बोलता है कि इन इन प्रोफाइल को लेकर चलिए, वैसे प्रोफाइल को लेकर आता हूँ। जैसे कलकत्ता और नेपाल का एक क्या मतलब सिमिलरिटी है कि वहाँ पे नेपाली लैंग्वेज स्पीकर भी रहते हैं, नेपाली भाषी भी रहते हैं, नेपाली बोलते हैं? हमारा इलाका जो है उसमें तो रहते हैं, हमारे घर के पास ही तो एक नेपाली अंकल है, उसके फैमिली के साथ हमारे उधर एक जूट मिल है, उधर काम करते हैं, तो उधर के भाषा भी हम सीखने चाहते हैं, लेकिन उतना तो सीख नहीं पाते, लेकिन बार बार आने से शायद सीख जाऊंगा। ओके, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या है रिएक्शन, क्या है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? चलिए जी जी, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप लोग आगे भी आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। ओके, नमस्कार।